अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.6 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है, किस तरह इसको मालूम कर सकते हैं, इस सारी चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नाम से ही क्या पता चल रहा है, प्रिसीजन प्रिसाइज से निकला है। प्रिसाइज क्या होता है, वो चीज जो एक दूसरे की बहुत क्लोजर आ रही हो। यानी कि अगर एक मेजरमेंट ली गई है, लेट सपोज 25.5, और मैं दोबारा दोबारा उसी चीज की मेजरमेंट लेती जा रही हूँ, उसी पूरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 25.45, 25.21, 25.35। तो ये क्या है, ये मुझे पता था मेरी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, और बाकी जो बार बार मैं मेजर कर रही हूँ वो तमाम वैल्यूज इसी के करीब तरीन आ रही है। ये क्या है, इसको कहते हैं प्रिसीजन, कि एक दूसरे के क्लोजर है ये वैल्यू। लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट करूं और मुझे एग्जैक्टली यही वाला आंसर मिले 25.5, इसका मतलब है कि जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली वही मिली, इसका मतलब है एक्यूरेसी आ गई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। तो प्रिसीजन में क्या होता है कि जब मेजरमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है तो सारी वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब आती हैं, लेकिन एक्यूरेसी में क्या होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वैल्यू के इक्वल आती है जो हमें चाहिए होती है या जो ट्रू वैल्यू होती है। इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू, जिसको हम माइंड में रखते हैं कि हमने इसके करीब तरीन या बिल्कुल यही वाली वैल्यू लेके आनी है। अब इसकी एग्जांपल बहुत इजीली हम ले सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं, मोस्टली छोटे क्लासेस में क्या किया जाता है कि आपको क्लास में काम करवाया जा रहा होता है, बोर्ड पे टीचर पूरा फिल कर रही होती है जल्दी जल्दी, और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है। अब एक स्टूडेंट है जो कहता है कि ठीक है, मैं टीचर के जो चीज लिखी हुई है उसी को करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो सकती है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल उसी चीज को कॉपी कर रहा है जो मिस ने लिखी है। अब उसकी एग्जांपल किस तरह से आ गई, एक मैम ने यहाँ पर लिखा वर्ड्स दिस, ओके, सो उन्होंने वर्ड्स को इस तरह से लिखा कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया। अब एक बच्चा है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको कॉपी कर रहा है इसी तरह से, एक कहता है कि मुझे पता है कि ये इसके लिए ही इस्तेमाल हो रहा है तो मैं क्यों ना वर्ड इज लिखूं। हुआ क्या कि ये हमारी वो एक्चुअल चीज थी जो हमें चाहिए थी, इस बच्चे ने बिल्कुल वही लिखा जो यहाँ पर लिखा गया था, इसका मतलब है ये हो गया एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पर जब हम दूसरे वाले को देखें तो उसका भी गलत नहीं है, उसने इसको अलग अलग करके लिख दिया, वर्ड इज लिख दिया, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रिसाइज है, ये इसके करीब तरीन है लेकिन बिल्कुल वो चीज नहीं है। इसी तरह से हम गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को गोल्फ खेलने का बहुत शौक होता है। उसमें क्या होता है कि ये एक टारगेट रखा जाता है, इस टारगेट के ऊपर एक फ्लैग भी इस तरह से लगा होता है, छोटा सा होल होता है, यहाँ पर हॉकी मौजूद है। अब इस हॉकी से बॉल को हिट करने और इस तरह के वो इस होल के अंदर जाके गिर जाए। क्या हुआ कि अब हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, ये होल। इस पर्सन ने जो प्ले कर रहा था उसने बॉल को हिट किया, पहले बॉल आके जो है वो इधर आ गई, ठीक है, इधर आके रुक गई, फिर दूसरी बार किया वो इधर आके रुक गई, तीसरी बार किया इधर आके रुक गई, इसी तरह से वो हिट करता जा रहा है लेकिन वो इस करीब तरीन आके रुक जाती है। तो ये बिल्कुल क्या है, एग्जैक्टली उसी जगह पर नहीं है, लेकिन जो ये मैया की जा रही है वैल्यूज, ये इस तरह भी हो सकता था, यहाँ आके रुक जाती, यहाँ आके रुक जाती, तो जितनी बार मेजरमेंट को रिपीट किया गया वो एक दूसरे के करीब आई लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। लेकिन इसी तरह से एक दूसरा पर्सन था जो बहुत ज्यादा ट्रेंड था और उसने हिट किया, ये बॉल बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर चली गई, फिर से हिट किया फिर चली गई, फिर किया फिर चली गई, तो इसका मतलब है कि जो चीज हमें चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसी तरह से इस होल में हमें मिल रही है। तो इस पर्सन की एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, जबकि इस पर्सन ने प्रिसाइसली तो हमें मेजरमेंट्स दे दी लेकिन एक्यूरेट नहीं दी। और इसकी किस तरह से प्रिसीजन एक्यूरेसी आई, कि जो हमें चाहिए था बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिला यानी कि एक्यूरेट, और वो बार बार अगर मेजरमेंट को रिपीट करता जा रहा है और बार बार ही उसकी बॉल जो है वो जाके होल के अंदर गिरती है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यूज एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं।
इसी तरह से अब ये तो हमने आम नॉर्मल लाइफ की बात कर ली, लेकिन जब हम फिजिक्स की वैल्यूज को मेजर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मेजरमेंट्स किस तरह से आ रही हैं। अब एक है, हमें पता है कि जमीन का सूरज से कितना फासला है। जब एग्जैक्टली उस वैल्यू का पता है तो इसका मतलब है वही आनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया जाता है और एक पर्सन है जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज आ रही होती है, एक ही एक्यूरेट आ रही होती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज के अंदर एरर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्सन की वैल्यूज में जिसकी एक्यूरेट नहीं आ रही। तो इस वजह से जब भी मेजरमेंट ली जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए क्या हमारा एक्सपेरिमेंट उसके करीब तरीन वैल्यू दे रहे या नहीं दे रहा। अक्सर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया जाता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर की जाती है 9.8, लेकिन कुछ की वो बहुत चेंज आती है, कुछ की बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है, कुछ की राउंड ऑफ करके उतनी आती है। तो इसका मतलब है जिनकी सही नहीं आ रही तो एक्सपेरिमेंट को जब चेक किया जा रहा होता है तो फौरन से पता चल जाता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका इवन प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आ रहा। इस वजह से प्रिसिजन और एक्यूरेसी को फिजिक्स में कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी। इसके लिए एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। अब क्या किया, एक लेंथ को कोई भी कपड़ा है या कोई भी रॉड है, कोई रस्सी का टुकड़ा है, उसके लेंथ को मेजर किया गया मीटर रॉड से। मीटर रॉड से, अब मीटर रॉड क्या होता है, बड़ा होता है, उसके ऊपर यहाँ पर स्केलिंग की गई होती है, उसके मुताबिक मेजर किया जा सकता है कि कितनी लेंथ होगी। अब रस्सी के टुकड़े की लेंथ मेजर की गई और लेट्स सपोज वो आ चुकी है 25.5 सेंटीमीटर। अब हर इंस्ट्रूमेंट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए, उसका अपना एक लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट के हिसाब से लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि इसका लीस्ट काउंट मीटर रॉड का है 0.1 सेंटीमीटर। अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है, अब और किस लिहाज से, किसके रिस्पेक्ट से एक्यूरेट है, कि यही वाली चीज की जो हमने लेंथ में ये की, एक हमने मीटर रॉड से की, दूसरी दफा हम ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर कैलिपर को, और अब इससे भी मेजर की गई उसकी लेंथ या विड्थ। होगा क्या कि अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट चेंज है। लीस्ट काउंट चेंज होने की मदद से लेट सपोज हम इसका यहां पर लिख देते हैं 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पॉइंट के बाद मीटर रॉड सिर्फ एक वैल्यू को कंसीडर कर सकता है, जो हम यहाँ देख सकते हैं 25.5, ये हो सकता था 25.6, 25.7, ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कह देते ये 25.45 है, नहीं, इतना हम ज्यादा डेप्थ में जाके इनको मेजर नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है जब हम मेजर नहीं कर सकते तो यहाँ पे कोई ना कोई तो डिफरेंस आ जाएगा। लेट सपोज हम कह देते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए 25.6 चाहिए, मीटर रॉड से की 25.5 सेंटीमीटर आ गए। वर्नियर कैलिपर से अगर हम करेंगे तो वर्नियर कैलिपर इस पॉइंट के बाद भी दो वैल्यूज को बताने के काबिल है। इसका मतलब है अगर इसी चीज को हम यहाँ पर मेजर करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू आए वो हमारे पास हो जाए 25.45, 25.47, यानी कि करीब तरीन आए, या हमें जो 25.6 चाहिए तो ये उसके करीब भी जा सकता है कि 25.59, तो ये क्लोजेस्ट वैल्यू आ गई इसके। इसका मतलब है कि वो चीज जिसमें जिसका लीस्ट काउंट कम है, यानी कि वो पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज को कंसीडर कर सकता है, वो हमें प्रिसाइज वैल्यू देने के काबिल है। अब जब प्रिसाइज वैल्यू का क्या मतलब आया कि जितनी बार रिपीट करेंगे वैल्यूज मेजरमेंट, उतनी बार हमें बहुत ही क्लोजर वैल्यूज मिलती जाएंगी और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ सकता है और एक्यूरेट भी हो सकता है। वो चीज जिसका लीस्ट काउंट बड़ा है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसमें प्रिसाइज वैल्यूज को कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू बता सकता है। इसका मतलब है अगर हम इसकी दूसरी वैल्यू देखें तो ये या हमें बता सकेगा 25.4, 25.3, 25.6 या 25.7, यानी के पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू।
इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा करीब नहीं है। 5 और 4 पूरे एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट्स में इतना सा डिफरेंस कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन ये वैल्यूज बहुत चेंज होती जा रही है। तो जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उसमें प्रिसीजन उतनी कम होगी, लेकिन एक्यूरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको इतनी डेप्थ में जाके मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस है कि हम उसको कह दें कि ये ऑलरेडी हमारा उतना करीब आ रहा है रिजल्ट जितना हमें चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि प्रिसीजन कम है लेकिन एक्यूरेसी हो सकती है। लेकिन वो केस जहां पर लीस्ट काउंट कम से कम होता जाता है, वहां पर एक्यूरेसी मजीद डाउन जाती जाती है, क्योंकि प्रिसीजन ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें प्रिसाइज वैल्यूज के क्लोजर तरीन जो वैल्यूज हैं वो मिलती जा रही है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप रीडिंग ले रहे होते हो, बिल्कुल हल्की सी हवा का झोंका भी आया या आपने सांस लिया, आपकी सांस की वजह से थोड़ा सा वो रीडिंग आगे पीछे हुई, तो वो पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट लाना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। जब भी प्रिसीजन की बात की जाती है, तो प्रिसीजन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कंसीडर किया जाता है, यानी कि ये देखा जाता है कि एग्जैक्ट कितनी हमारे पास प्रिसीजन हो सकती है। लेट सपोज ये वैल्यू है 25.5 और ये 25.4, ये दोनों एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.1 का। तो इतना डिफरेंस इसमें आ रहा है, हमें पता चल गया कि ये इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है। एक एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको दी जा रही होती है वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट कहलाती है। तो यहाँ पर जो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, जो अनसर्टेनिटी आ रही है, वो कितनी की है? 0.1 की। इसी तरह हर एक में 0.1 की आ रही है। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करते हैं, तो प्रिसीजन को चेक किया जाता है परसेंटेज में, और वो परसेंटेज किसकी होती है? उसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। अब उसको खाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं किया जाता कंसीडर, बल्कि उसकी परसेंटेज को एक्यूरेसी में कंसीडर किया जाता है। सो यहां पर आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जबकि प्रिसीजन के केस में आएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप प्रिसीजन को कंसीडर करना चाहते हो अपनी मेजरमेंट में, तो किस तरह से बता सकते हो कि वो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वैल्यूज कितनी करीब आ रही है एक दूसरे के, कितना एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि एक्यूरेसी के केस में आपको सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना होता है, एंड देन आप कंपेयर करके बता सकते हो कि कितनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करने की चांसेस हैं। इसी तरह से इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी क्या है कि जो वैल्यू मेजर की गई हो अगर वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है, इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो ये कहलाती है एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली वही वैल्यू जो हमें चाहिए। अब प्रिसीजन क्या होता है कि मेजरमेंट्स जो कि क्लोजर हूं इस ट्रू वैल्यू के, क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों की एमसीक्यूज में अक्सर पूछ ली जाती है, और इनको बताने का तरीका कि मेजरमेंट के हवाले से किस तरह से बताया जा सकता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक।